हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या दोस्तों, आपने पानी में दीपक जलाया है? नहीं जलाया है तो चलिए जला लेते हैं। दोस्तों, अब की दिवाली हम पूरी दीपक जलाएंगे पानी में। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दिवाली में आपके घर कोई भी टूटा फूटा कप या वैसी कटोरी है, इसको डेकोरेट कर लीजिए। डेकोरेट करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद अब आप देखिए इसमें कोई सा भी कलर डाल दीजिए, फ्रूट कलर या बच्चे का ड्राइंग का कलर होता है वो डाल दीजिए। तो मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा जो महावर होता है ना, उसको डाल दिया है मैंने, उसको डाल दिया है। अब चम्मच से देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से हिला दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी का कलर है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब चलिए इसको एक मिनट साइड रख देते हैं। अब साइड रखने के बाद अब ये जो बत्ती है ना, थोड़ी सी रुई, अब मैं इसको बनाती हूँ गोल वाली, जो फूल वाली बत्ती होती है। जी हाँ दोस्तों, जो फूल वाली बत्ती है हर किसी को बनाने नहीं आता है। तो अंगूठे के हेल्प से, जैसे कि मैंने बताया है, ये फूल वाली बत्ती अपने अंगूठे के हेल्प से एक तरफ से दबाते जाना है। ऊपर जो चोच निकला हुआ रहता है, बस इसको इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। अब आप देखेंगे कि ये फूल वाली बत्ती बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। तो मैं 2 से 3 ये जो फूल वाली बत्ती है ना, मुझे फूल वाली बत्ती की ज़रूरत है, तो मैं इसको बनाऊंगी फूल वाली बत्ती। तो चलिए इसी तरीके से मैं फूल वाली बत्ती को बना लेती हूँ। दोस्तों, इस दिवाली आप अपने घर में डेकोरेट कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल ट्रिप है। इस ट्रिप को आप जब देखेंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दीपक आपको मतलब जलाने के लिए है, पूजा के लिए है। जब भी दोस्तों कोई अपने घर में डेकोरेट करता है ना, तो सोचता है ना कि हम किस तरीके से बहुत अच्छे से करें डेकोरेट। अब देखिए दोस्तों, मैं ये दवाई का जो रैपर हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं, तो पानी में क्या होता है कि कितनों ने दिखाया है कि प्लास्टिक में दीपक जलाते हैं। प्लास्टिक मतलब आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक रहती है, दीपक जलते जलते जब जल जाता है, तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक भी जल जाती है उसके साथ। अब ये जो मैंने ये दवाई का रेफर लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल एल्युमिनियम है, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, आपका दीपक बुझ जाएगा। लेकिन ये जो एल्युमिनियम दवाई का रेफर है, ये बिल्कुल भी नहीं ये गलेगा और ना ही बुझेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो दवाई का रेफर 2 तरह के होते हैं, एक पन्नी वाला होता है, एक एल्युमिनियम वाला होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो इस तरीके का दवाई का रेफर रहता है, आप इस तरीके की बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल ये है, ये दवाई का जो रेफर होता है यही एल्युमिनियम वाला। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अभी जो ऊपर वाला ये इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, मैं इन सबको उतार देती हूँ, अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और दोस्तों, मैं इसका ये आगे भी बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैंने 2 इसको कटिंग कर लिया है। अब देखिए मेरे पास, मैं कुछ और आगे बताने वाली हूँ, है सुआ। सुआ के हेल्प से या चाकू के हेल्प से इसमें एक सुराख कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से सुराख कर लेना है, बहुत इजीली तरीके से हो भी जाता है। चाहे तो आप चाकू, अगर नोखिला है तो चाकू के हेल्प से आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, बिल्कुल छोटा मीडियम साइज के, नहीं तो जो भी हम बत्ती इसके अंदर डालेंगे ना, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर बहुत ही काम का है। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने 2 से 3 बत्ती बना लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे जो बत्ती है ना, जो मैंने होल करा हुआ है, इसके अंदर मैंने डाल देना है। अब डालने के बाद अब आप देखेंगे ना कि ये बहुत ही बिल्कुल मेरा परफेक्ट है, मुझे बिल्कुल इसी तरीके से ही चाहिए था। तो दोनों बत्ती को मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करती हूँ, ये जो कॉटन का बत्ती है, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आप देखिए कि बहुत इजी तरीके से मैंने बिल्कुल बारीकी होल करा हुआ है, तो बहुत इजीली तरीके से इसके अंदर ये बत्ती चली गई। अब चलिए आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे आगे और क्या करना है। अब देखिए ये जो पानी है, अब कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, तो मैं ऑयल की बोतल ली हूँ, तो इसमें 1-1 चम्मच मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। अब देखिए 1-1 चम्मच मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। अब इस तरीके से तेल दोस्तों एक ही जगह डालना है, कि अब आप देख पा रहे होंगे कि पानी में तेल जो है ना, बिल्कुल ही अलग ही दिख रहा है। तो इसी तरीके से जब तेल डालेंगे, अब देखिए एक मैंने बोतल लिया हुआ है, बोतल में आज दोस्तों मैं दीपक जलाने वाली हूँ। देखिए दीपावली के ये जो एक साल भर पर त्यौहार आता है ना, हम सभी को खुशी होता है कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करें और किस तरीके से दीपक को जलाएं।
तो दोस्तों मैंने चाकू को गर्म करा हुआ है, तो इसमें भी एक पतला सा हॉल कर लेते हैं ढक्कन में। अगर इसमें एल्युमिनियम वाला जो ढक्कन होता है और हेल्पफुल होता है। तब देखिए जैसे कि मैंने बाती बनाया था ना फूल वाले, बिल्कुल मुझे वही तरीका वही आइडिया माना है, इस तरीके से ये भी बाती मैं बना लेती हूँ। अब देखिए बहुत इजीली तरीके से ये भी बाती बनके रेडी हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बनाया, अब इसके अंदर मुझे इस बाती को डाल देना है। जी हाँ, अब चलिए मैंने इस बाती को डाल दिया है। अब आगे की मुझे प्रोसेस क्या करना है कि अब देखिए थोड़ा सा ये सही से नहीं हो रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर देती हूँ कि अच्छी तरीके से इसके अंदर हो जाए। अब देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। अब इसकी जो रुई बत्ती है, मुझे इसको क्या करना है कि अब देखिए थोड़ी थोड़ी मैं इसमें तेल डाल देती हूँ कि ताकि ये जो रुई बत्ती है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला हो जाएगा तेल से। तो ये देखेंगे कि ये जो रुई बत्ती है बहुत ईजी तरीके से अपना वर्क करेगा, और जब दिया जलाएंगे ना तो काफ़ी देर तक के दिया जलेगा। और आपने देखा होगा कि मैंने पानी डाला हुआ है, थोड़ा सा इसका जो बत्ती है ना इसको गीला करने के लिए, मतलब यह है कि तेल से बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाए। अब देखिए इस तरीके से तो तेल ऊपर आने लगा है, तो बस ये मेरा ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी की जो बत्ती है उसको भी मैं इसी तरीके से पिघला लेती हूँ, मतलब उसके अंदर तेल डाल लेती हूँ। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि तेल से मुझे जो बत्ती है थोड़ा सा इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको गीला कर लेना है कि ताकि जब भी हम दीपक को जलाएं ना तो जलते समय बिल्कुल भी इसमें कोई मतलब वो ना हो। आपने देखा होगा कि जब तक तेल से बाती नहीं गीला होता है और दीपक हमारा सही से जलता नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा तेल को मैं दबा रही हूँ कि नीचे तक के तेल अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो अब देखिए तेल आ चुका है, तो बिल्कुल इसी तरीके से तेल चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी मैं कटोरी में तेल ले ली हूँ, रिफाइंड या सरसों जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये तेल को लेके अब बाती को गीला कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैंने कटोरी में तेल ले लिया है और तेल के हेल्प से मैं सारी बाती को गीला कर लेती हूँ। बाती को गीला करने से आपने देखा होगा कि जब तक बाती गीला नहीं होता है और ये दीपक हमारा सही से जलता नहीं, तो तेल में अच्छी तरीके से मुझे ये जो बाती है अच्छी तरीके से इसको गीला कर लेना है। तो मैं छोटे चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल को डाल ली, अब आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इस बाती को मैं ऊपर से भी थोड़ा सा गीला कर देती हूँ, और अब ये बाती जो है ना अब मैं इसको तेल में डिबोने वाली हूँ। अब थोड़ी सी तेल मैं एक से दो चम्मच मैं इस बॉटल में डालने वाली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि तेल पानी में डालते ही तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो ये तेल पानी में मिक्स नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और देखिए कि जितना भी तेल है ना बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो बॉटल मुझे भर देना है ताकि ये जो बत्ती है ये ऊपर बॉटल में पानी में टच होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर ली हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे अब इसका कैप लगा देना है, पानी में बिल्कुल टच हो रहा है। तो अब ये हमारा तेल अच्छी तरीके से परफेक्ट है। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर में डेकोरेट कीजिए, बहुत इजी तरीके से डेकोरेट हो जाता है। अब चलिए इस तरीके से पानी में मैंने सारी बत्ती को रख दिया है, अब आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने लाइटर ले लिया है और लाइटर के हेल्प से मैं ये सारी बत्ती को जला देती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को आज का ट्रिक ज़रा से भी पसंद आता है और ज़रा से भी हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप भी इस दिवाली पे अपने घर को सजाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से डेकोरेट कीजिए अपने घर में। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों इस दिवाली आप सब इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।